नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि घर की पूर्व दिशा की दीवार जो है, पूर्व दिशा है जो उस घर की, वो तिरछी हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उस घर में रहने वालों पर। दोस्तों, ये एक घर का प्लान है। दिशाएं हैं पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ये दीवारें सब सीधी हैं। ये दीवार भले कंपाउंड वाल की घर की, ये हम पूर्व की दीवार की बात कर रहे हैं, पूर्व की है ना, ईस्ट की। ये दीवार यूँ तिरछी भी हो सकती है पूर्व में, ये तिरछी यूँ भी हो सकती है, ये यूँ उसमें बढ़ाव भी हो सकता है। तिरछापन तो नहीं, बढ़ाव आ गया ये, ठीक है ना। ये बढ़ाव इधर भी ऐसा आ सकता है, कभी ये बढ़ाव ये हो के इत्ते में ख़त्म हो सकता है ये तिरछापन, या इत्ते में तिरछापन ये ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना। या ये तिरछापन यहाँ तक आ जाए, या यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक सीधी हो और यहाँ के तिरछी हो जाए, यहाँ तक सीधी हो यहाँ के तिरछी हो जाए, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दोस्तों, यदि ये पूर्व में इस दिशा में, यदि तिरछापन यहाँ पर कोने से यूँ है और तो भी बहुत शुभ है, उसके परिवार में आर्थिक संपन्नता रहती है, पैसा खूब आता है, संतान तरक्की करती है, वंश वृद्धि होती है, शुभ होता है। यदि इसके उत्तर के साथ मिलकर इसका तिरछापन आ जाता है कभी, तो बहुत शुभ है, वो भी बहुत शुभ होता है। हर चौतरफा तरक्की होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। यदि ये बढ़ाव पूर्व के साथ मिलके, यानी ये तिरछापन यहाँ से चला, यहाँ से और यहाँ तक आ गया, ईशान कोण तक, या यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी पूर्व का हिस्सा उसमें जुड़ गया, यानी कि जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूर्व का हिस्सा आ गया और यहाँ तक आ गया, तो ऐसे में ऐसे घरों में रहने वाले हर तरह से संपन्न होते हैं, बच्चे तरक्की करते हैं, वंश वृद्धि होती है, प्रतिष्ठा रहती है, समाज में हर तरह से प्रतिष्ठित रहते हैं वो लोग, और बच्चे भी खूब तरक्की करते हैं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे निकलते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो ये बढ़ाव तो हर तरीके से शुभ है। इस तरीके से ये बढ़ाव यूँ भी हो जाए तो भी बहुत शुभ है, ये बढ़ाव यहाँ तक आ जाए तो शुभ, यहाँ तक आ जाए तो शुभ। पर इसके विपरीत, यदि ये बढ़ाव इस तरीके से हो जाए, या ये कोने पर बढ़ाव हो जाए, यदि बढ़ाव कोने पर रहेगा इस तरीके से, तो उस घर में विवाद और कलह रहेंगे, दिक्कत। यदि ये बढ़ाव यहाँ पर आके इस तरीके से इसके साथ मिलकर हो जाए, तो अदालती कार्रवाई तक नौबत आ जाती है, बहुत दिक्कतें आती हैं, ठीक। यदि ये बढ़ाव पूर्व के साथ मिलकर इस तरीके से आता है, तो आर्थिक समस्या रहेगी, संतान प्राप्ति होने में बहुत दिक्कत आएगी, और संतान हानि भी हो सकती है यदि इस तरीके से आता है। पर संतान प्राप्ति में खास बातें बाधा आती है यदि इस तरीके से बढ़ाव आ जाता है तो, और विवाद और कलह तो घर में रहेगी रहेगी। तो दोस्तों, यदि बाय दी गई, ये बढ़ाव तो शुभ है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, ये बढ़ाव यूँ आ जाए तो भी शुभ है, या ये बढ़ाव यूँ होके जैसे ये बताया यहाँ आ जाए तो भी शुभ है। पर बाय दी वे बढ़ाव इस तरीके से दक्षिण की ओर आ रहा है, तो क्या करिएगा आप, आप घर के अंदर एक दीवार बना के, इसको ब्रिक्स की वॉल बनाकर इसको जो है इसको अंदर से सीधा कर लीजिएगा, और इस हिस्से को भूल जाइएगा, ठीक है ना। ये हिस्सा तोड़ सकते हो तोड़ दीजिएगा, यदि नहीं तोड़ सकते तो भी इसको कर दीजिए। एक और बात, हो सकता है आपके यहाँ गेट हो, ये दीवार तोड़ के गेट यहाँ पर है, तो इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा और इसको आप हिस्से को अलग कर दीजिएगा। यदि ये दूरी बहुत बड़ी है तो आप जो है अंदर से खाली खाली भी रखते हैं, हालो भी रहता है, सिर्फ आपको दीवार यहाँ बनानी है, ठीक है ना। और बहुत कम है तो पूरा ठोस बंद कर दीजिएगा, पर इस दोनों कॉर्नर को 90 डिग्री करिए, जैसे ये कॉर्नर 90 डिग्री है, तो इससे आपकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।